सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सूरत में जल संचय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। भू जल स्तर बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान के सीएम और बिहार के डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे। तो बता दें आपको, जल संचय कार्यक्रम में भू जल स्तर को बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सूरत के दौरे पर रहेंगे आज। और बता दें, गुजरात के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और जल संचय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। गुजरात दौरा है मुख्यमंत्री का और सूरत में जल संचय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें भू जल स्तर को बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, भूजल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर एक खास कार्यक्रम आज सूरत में रखा गया है, जिसमें सीएम मोहन यादव भी शिरकत करने वाले हैं। देखिए, पिछले महीने जब इस योजना की शुरुआत हुई थी ऋतु की जल संचय एवं जनभागीदारी योजना, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू जल स्तर कैसे बढ़ाया जाए इस पर लगातार फोकस किया था। गुजरात के सौराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया था, किस तरह से सौराष्ट्र में हमेशा जल की कमी होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही लगातार गुजरात ने उस पर काम किया, गुजरात सरकार ने, और आज पहले से बेहतर वहाँ की जो भू जल की स्थिति है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, बिहार के उप मुख्यमंत्री हों, गुजरात के मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हो, तमाम नेता पहुंचेंगे और ये जो भू जल स्तर बढ़ाने के लेकर मीटिंग है उसमें भाग लेंगे और अपनी अपनी जो प्रेजेंटेशन है देंगे, और एक लंबी चर्चा भी होगी ऋतु, क्योंकि आने वाले आगामी समय में लगातार जो जल स्तर है भूमि का वो लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के जो विद के लोग हैं उनके साथ जो तमाम नेता हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। और आपने देखा था ऋतु की किस तरह से गर्मी के महीनों में नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, किस तरह से सफाई अभियान चलाया गया था ताकि जो जलाशय हैं वो साफ भी रहे, और उनका जलाशय जब साफ रहेंगे तो उनका जल स्तर भी ठीक ठाक रहेगा। ऐसे में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर जाएंगे और एक बड़ी चर्चा होगी कि जल स्तर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं लगातार वहां पर आप देखिए कि गर्मी में जल की कमी होती है, चाहे खंडवा हो, अलग अलग खरगोन हो, या फिर यहां तक कि मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में भी लंबी लंबी लाइन कभी कभी देखने को मिलती है, क्योंकि बोरवेल का जो जल है वो जब नीचे चला जाता है तो पानी नहीं आते, ऐसे में वाटर सप्लाई या फिर टैंकरों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि आगामी समय में जो ये परेशानी बिल्कुल आने वाले समय में किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसी को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। सूरज, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और आगे भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश की ही सीएस अनुराग जैन की प्रशासन ने कसावट की तैयारी है, गांव गांव जाकर छोटी छोटी समस्याएं अब कलेक्टर सुनेंगे। कलेक्टरों को अब गांवों में रात बिताना अनिवार्य होगा, जन समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन में विश्वास बढ़ाना इसका उद्देश्य है। कलेक्टरों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश सीएस अनुराग जैन ने दिए हैं। तो बता दें, हर माह अग्रिम टूर डायरी भी मुख्य सचिव को भेजनी होगी। जल्द ही सभी जिलों के कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस भी होगी। देखिए, कॉन्फ्रेंस होगी, इसके साथ ही 24 घंटे अलर्ट मोड पर कलेक्टर्स को रहना होगा। प्रशासनिक कसावट की तैयारी है मध्य प्रदेश में, गाँव गाँव जाकर लोगों की समस्याएं भी सुननी होंगी, इसके साथ ही रुकना भी अनिवार्य है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज तिवारी लगातार बने हुए हैं। सूरज, अब जल्द ही कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, इसके साथ ही देखिए निर्देश भी दे दिए गए हैं, तय कर लिया गया है कि अब सभी कलेक्टर्स अलर्ट मोड पर हैं और सभी की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। देखिए ऋतु, जब से अनुराग जैन मुख्य सचिव बने हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के, और तब से लगातार जब से मुख्य सचिव बने हैं तब से लगातार कलेक्टरों को निर्देश दे रहे हैं किस तरह से लगातार कलेक्टर सक्रिय रहे, किस तरह से जो प्रशासन है वो सक्रिय रहे और जो आम लोगों को समस्या होती है उस समस्या का निदान मिले। यही कारण है कि एक बार फिर से अनुराग जैन ने एक बड़ा आदेश दिया है, कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि गाँव गाँव जाएं ही नहीं, जन समस्या सुने ही नहीं, बल्कि उस गाँव में रात भी बिताएं ताकि उस गाँव की समस्या को समझ पाएं कि बिजली, पानी या जो तमाम सुविधाएं हैं किस तरह से रहती है, क्योंकि गांवों में आज की तारीख में भले सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है लेकिन आज की भी तारीख में कई समस्याएं हैं, जैसे कागजों में तो शौचालय बना दिए गए लेकिन आज भी गांव के कई जगह ऐसे लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। कागजों में तो कही जाती है कि लाइट 24 घंटे रहती है लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जो लाइट, जहां बिजली की समस्या है, किसानों को बिजली की समस्या, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। यही कारण है कि अनुराग जैन चाहते हैं कलेक्टर हर गाँव में रात बिताएं, जब रात बिताएंगे तब वो जो समस्या है
तो समझ पाएंगे, क्योंकि घंटे दो घंटे के दौरे से समस्याएं समझ में नहीं आती। जब आप पूरी रात रहेंगे तो तमाम लोगों से मेल मुलाकात करेंगे तब आपको समस्याएं समझ में आएंगी। इसके साथ अनुराग जैन ने यह भी कहा है कि अग्रिम टूर डायरी भी हमें भेजे, यानी कि अगले महीने आप कहां जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, आप किस गांव में जाएंगे, क्या समस्याएं सुनेंगे, वो भी आपको भेजना पड़ेगा। इसके साथ अनुराग जैन जो है कुछ ही समय बाद जो तमाम कलेक्टर हैं अलग अलग जिलों के उनके साथ मीटिंग भी करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस। प्रशासनिक कसावट लाई जाएगी तो इसका जनता को कितना लाभ मिलता है। सूरज, फिलहाल शुक्रिया।